वैसे प्रकार बहुत सही दुआ है। हाँ ईद की अच्छी बात हो रही, वो आप देख रहे थे, एक जो मेरे पास एक नोटिफिकेशन थी छोटी सी, दोबारा की नज़र करते हैं। डीसी एबटाबाद ने एक ऐलानिया जारी किया जिसके मुताबिक किसी किस्म की सीरी फिल्म की रिकॉर्डिंग, ओपन एयर स्टेज ड्रामाज, हवाई फायरिंग दफा 144 यानी 144 के तहत ममनू है। ये ऐलानिया बजरिया हजारा अबसिन आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी खालिद वहीद कुरैशी ने डीसीओ की तरफ से जारी किया है। समझ गए आप लोग, नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। आप लोग कॉल कर सकते हैं 212126 पे, लाइव मुझसे बात कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली अपने इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ईद के होने का और उसकी खुशी का एहसास दिला सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो ईद नहीं होगी, तो ये ईद का आज आखिरी शो होगा हमारा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारे शोज होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रूटीन पे होंगे, मुख्तलिफ गेस्ट आपके साथ होंगे, और आप लोग हमेशा की तरह उस तरह जिंदगी को जीना शुरू करेंगे जैसे पहले जीते थे। तो ईद की जो खुशियां हैं उनको जो जीने का मजा है वो आम दिनों में नहीं है, तो इनको पुरलुत तरीके से, पुरजोश तरीके से, अच्छे तरीके से जिए। खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी हमें देख रहे हैं उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जहाँ ईद की खुशियाँ, ईद के रंग, ईद मनाइए केवल और इस हमारे प्रोग्राम की खास बात यह कि इसमें हर कम्युनिटी का ख्याल रखा जाता है, चाहे जहाँ से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हों उनके लिए कल्चर हम एक कल्चर बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है केवल ऑनलाइन का कल्चर। उसमें हर चीज़ का कल्चर एक रंग में ढल जाता है, चाहे वो पंजाबी है, पठान है, पख्तून है, सराइकी है या हजारे वाले हैं, सबको एक रंग में हम डाल देते हैं ताकि एक कौम का सबूत दें। इस्लाम ने जो तालीमात हमें दी उसमें ये बात वाज़ह तौर पर बताई गई कि जात पात के जो एक तरीके बनाए गए इसे इस वजह से ताकि आपकी पहचान हो सके, इस वजह से नहीं कि आप लोग उस पर इतराना शुरू करें या उस पर लड़ना शुरू करें या अपनी बड़ाई को साबित करें या आप किसी को कमतर समझें, बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान समझ लीजिए अपने आप को और एक अच्छा इंसान समझ लीजिए, पहले इंसान है फिर मुसलमान, ठीक है जनाब। तो ये इस बात को आपने ज़रा गौर रखना है कि इंसानियत जो है वो बाकी रहनी चाहिए, चाहे जहाँ तक भी रहे, जितना भी उसमें रहे। बहुत से मेरे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे मेरी काफ़ी ऐसे मुलाकात हुई, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके ईद के दिनों में, और उनके SMS मौसूल हुए, उनकी कॉल्स मौसूल हुई, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ईद के दिन जब आपकी तलाश रहती है, आपकी नज़र दौड़ती रहती है, आपके कान समातों की तरफ दौड़ते रहते हैं, कोई अपना मिल जाए, कोई ऐसी जगह से कॉल रिसीव हो जाए कि जहाँ से आप एक्सपेक्ट कभी नहीं कर रहे होते या किसी को आप बहुत मिस कर रहे होते हैं कभी कभी, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि आप लोगों ने ईद किस किसको मिस किया, किससे बातचीत हुई, किन लोगों से आपकी बातचीत हुई। खैर बातचीत जारी रहेगी गप शप, तो आप लोगों से हमेशा की तरह जारी रहेगी। जब मैं आपसे गप शप करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं गोल गप्पे में छोले डाल के और केचप डाल के और मज़े का तीखा पानी डाल के मुंह में डालने लगा हूँ, तो खैर आपसे गप शप जारी रहेगी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। चलते हैं सीट प्रोग्राम की मजीद झलकियों की तरफ और इन्जॉय करते हैं। कॉल करना मत भूलिएगा 212126 पर, आपको मुझे से रहूँगा, देखते हैं ये बोलिए ना। हेलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खैर आप लोग थोड़ा सा वो किया करें, टेलीविजन वॉल्यूम ऐसा कर दिया करें और कंसंट्रेट किया करें जब आप लोग कॉल करें, ताकि जो डायमेंशन है वो डाइवर्ट ना हो। आप लोग 1-to-1 जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन, वो हो सके मुझसे और आपकी बहुत मजे की गपशप होगी अगर आप लोग चाहें तो, वरना गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, जो टेलीविजन शोज होते हैं इनको देखने का अपना मजा इस वक्त होता है जब आप फैमिली के साथ बैठे हों और कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। मुझे एक शख्स ने कहा, बल्कि एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था कि जो कुछ नहीं करता बातें करता है, लेकिन खैर बातें अगर क्रिटिसिज्म की तरफ हो या क्रिटिसिज्म की तरफ हो तो मज़ा आता है कि कोई नई चीज सीखने को मिलती है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए कॉल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैंने हवेलिया को ईद मुबारक कह दी। ये सारा आपने बड़ी जल्दी अपना रिव्यू चेंज कर लिया, क्या वजह है? बस मेरे कजिन से कहा था तो इसलिए। कहीं से धमकी तो नहीं मिली आपको? धमकी मिली है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ सबको याद रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने कजिन को भी कहना चाहती हूँ। हाँ, बोल दें। एहसन नवीद इरफान को। एहसन नवीद, एहसन को, बिल्कुल जी, एहसन को। और शेरी भाई को। शेरी भाई को पहुँच गई आपकी दुआ, बहुत अच्छा खुदाफिज़। थैंक यू सारा जी। एहसन साहब और शेरी भाई, आपको भी अपनी कजिन की तरफ से बहुत ईद मुबारक कबूल हो, और ये खूबसूरती सुनील जोन मेरे कान में आई। सर, बातचीत आपसे जो चल रही होती है जब आप लोग, हाँ मैं फैमिली इन्वायरमेंट की बात कर रहा था कि एक फैमिली पूरा मिलकर जब प्रोग्राम देखते हैं, एक सोफे पे या बेड पे बैठे हैं या फ्लोर पे बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट देते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि अगर हम वहाँ पे होते तो फिर देखते क्या कमाल होता। ऐसे भी खैर हुआ है, आप लोग हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं बाकायदा, आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको इक्वल मौका मिलेगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, ये कुछ सरगोशियां कर रही है, पाँव की चलने की, मुझे कदमों की आवाज आ रही है। एनीवेज आप लोग कॉल करें, सरगोशी में लगी करें कॉल, क्योंकि कहते हैं अच्छी बात खामोशी से नहीं बल्कि खुल के कहनी चाहिए, और हमारे साथ जो भी बात होगी वो अच्छी बात होगी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, नहीं सॉरी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। हर आवाज को पहुंचाने की तैयारी कर लें, थोड़ा सा गला साफ कर लीजिए और फिर आवाज पहुंचाइए। मैं जब तक आप तक पहुंचाता हूँ ये चीज स्पेशल ट्रांसमिशन केबल ऑनलाइन के थ्रू, देखिए और एंजॉय कीजिए और फिर वापस आके आपसे बहुत सी चटपटी बातें होती। अरे बोलिए ना, आपकी आवाज आएगी। ओके ओके, ड्रॉप द कॉल जी। मेरे ख्याल से अपने मशागल में वो मसरूफ हैं, या हमको यकीन नहीं हुआ कि उनकी कॉल मिल चुकी है, क्योंकि हेलो हेलो बोलिए ना, हेलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर आप लोग थोड़ा सा वो किया करें, टेलीविजन वॉल्यूम ऐसा कर दिया करें और कंसंट्रेट किया करें जब आप लोग कॉल करें, ताकि जो डायमेंशन है वो डाइवर्ट ना हो। आप लोग वन टू वन जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन, वो हो सके मुझसे और आपकी बहुत मदद ही गपशप होगी अगर आप लोग चाहें तो, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। अच्छा, जो टेलीविजन शोज होते हैं इनको देखने का अपना मतलब इस वक्त होता है जब आप फैमिली के साथ बैठे हों और कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। मुझे एक शख्स ने कहा, बल्कि एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था कि जो कुछ नहीं करता वो बातें करता है। लेकिन खैर, बातें अगर क्रिटिसिज्म की तरफ हो या क्रिटिसिज्म की तरफ हो तो मजा आता है कि कोई नई चीज सीखने को मिलती है। जी, एक कॉल कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैंने हवेलिया को भी मुबारक के ये सारा आपने बड़ी जल्दी अपना रिव्यू चेंज कर लिया, क्या वजह है? बस मेरे कजिन से कहा था तो इसलिए। कहीं से धमकी तो नहीं मिली आपको? धमकी मिली है लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ सबको याद रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने कजिन को भी कहना चाहती हूँ। हाँ, बोल दें बोल दें बोल दें। एहसन नवीद इरफान को। एहसन नवीद, एहसन को, बिल्कुल जी, एहसन को। और शेरी भाई को। शेरी भाई को पहुँच गई आपकी मुबारक, बहुत बहुत अच्छा खुदाफिज़। थैंक यू सारा जी। एहसन साहब और शहरी भाई, आपको भी अपनी कजन की तरफ से बहुत ईद मुबारक कबूल हो, और ये खूबसूरती सुनी जो मेरे कान में आई। खैर, बातचीत आपसे जो चल रही होती है, जब आप लोग हाँ, मैं फैमिली इन्वायरमेंट की बात करता कि एक फैमिली पूरा मिलकर जब प्रोग्राम देखते हैं, एक सोफे पे या बेड पे बैठे हैं या फ्लोर पे बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट देते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि अगर हम वहां पे होते तो फिर देखते क्या कमाल होता। ऐसे भी खैर हुआ है, आप लोग हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं बाकायदा। आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको इक्वल मौका मिलेगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। एक कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ये कुछ सरगोशियां कर रही है, पाँव की चलने की, मुझे कदमों की आवाज आ रही है। एनीवेज आप लोग कॉल करें, सरगोशी में लगी करें कॉल, क्योंकि कहते हैं अच्छी बात खामोशी से नहीं बल्कि खुल के कहनी चाहिए, और हमारे साथ जो भी बात होगी वो अच्छी बात होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, नहीं सॉरी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। खैर, आवाज को पहुंचाने की तैयारी कर लें, थोड़ा सा गला साफ कर लीजिए और फिर आवाज पहुंचाइए। मैं जब तक आप तक पहुंचाता हूँ तमाम हजारा वालों को, जो आप सुनील खान साहब का पहले मैसेज आप देख चुके हैं हमारे क्लिप से उसमें भी, लेकिन इन्होंने स्पेशली कहा प्रोग्राम के थ्रू भी आप तक ईद मुबारक पहुंचा दूँ। बहुत शुक्रिया सुनील साहब और मेहता अहमद खान आबादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम देखने वालों को बहुत ईद मुबारक भी किया। एक कॉलर है, लेट्स सी कौन है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? अलहमदुल्ला जी, कौन गल कर दो जी? नसीर भाई, क्या हाल है? मेरी मेरी गला सुन दो कि नहीं सुन दो? अच्छा, के आसो ईदी दे वाले कि ईद गुजरी है? कह रहे जी कोई गल नहीं, असो तो नहीं आंदा।
بس جی خیر او جڑا علماء سن فیصلہ کیتا اسا منظور ہے اچھا یہ سنو کتھے رہو ڈبادی رہو یا پھر 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 رہو نہیں سر میں تے مہے دکھانے جو ہے نا ڈباد کھانے پڑے رہنا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا آسو سارے دیکھنے سننے والا اچھا پسند ہے اتولا بالکل میں ان شاء اللہ سنا سا پہلے ذرا تسی سناؤ ذرا اتولا دی آواز میں تھوڑا جا سر تاری آواز میں چلو اپنی آواز میں سنا چھوڑو تھوڑا جہ سنا سو اچھا چلو ٹھیک دل لگا تھا دل لگی کے لیے جی جی بن گیا روب زندگی کے لیے چلو ٹھیک ہے میں سنا سا ان شاء اللہ تسا مہربانی جی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ نصیر صاحب بہت شکریہ نصیر صاحب بہت چنگا لگے تو گل بات کر دیا نا اپنے جڑے ہوندے او اپنا خوب گل آ گئی اپنا اگر مار دے تو چھاواں میں سٹتا ہے گل بڑی عجیب جی لیکن گل سن اپنے چیز یہ جی ہوتی جب گل بات ہوتی تو انسان خوشی ہوتی سارے اپنے حویلی احتراج مانتے جتنے سے نیٹورک گے سارے لوگ اپنے سے بڑا مزہ آتا گل بات کر کے گل سن ان کو بھی کراں انگریزی بھی کراں سرائکی بھی کراں پشتو بھی کراں یا پھر اردو بھی کراں تو مطلب یہ کیونکہ تم سارے اسے ہزارے والے ہزارے دے رہنے والے ہو تو بڑا مزہ آتا ہے گانا تو سنانے ہیں نال نال لیکن جانتے لوگ اس وقت ایجن کے جڑے نال فیملی نال بیٹھے دوست تو موج مستی تھوڑی جاری ہو سی تھوڑی روٹی تھوڑی کھانے ہو سن تو اسی ان شاء اللہ تھوڑا بلے بلے کر سکتے نال نال اصل کرو بلے بلے آپ دیکھ چکے ہیں ہمارے عید کلپ تھے اس میں لیکن انہوں نے اسپیشلی کہا کہ پروگرام کے تھرو بھی آپ تک عید مبارک پہنچا دوں بہت شکریہ شمول صاحب اور مہتاب احمد خان عبادی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تمام دیکھنے والوں کو بہت عید مبارک وش کیا ایک کالر ہیں لیٹس سی کون ہے کیا کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں الحمد للہ جی کون کال کر دو جی نصیر بھائی کیا حال ہے میری گلا سن دیو کہ نہیں سن دیو اچھا کیا آسو عید دے والے تے کی عید گزری ہے کہہ رہے جی کوئی گل نہیں آسا اتنے نہیں آندا بس جی خیر او جڑا علماء سن فیصلہ کیتا اسا منظور ہے اچھا یہ سنو کتھے رہو ڈبادی رہو یا پھر پھر رہو پھر رہو نہیں سر میں تے مہے دکھانے جو ہے نا تے باہر کھانے پڑے رہنا اچھا اچھا ایتھے تو ڈاک شاہ کا دکھان نہیں ہے ہر جی ایتھے چھٹی بھی نہیں اچھا اچھا چھٹی کا نہیں چھٹی کی تھی اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیا آسو سارے دیکھنے سننے والا میرا ہی تو سر سن دیکھنے سننے نا ابھی بڑا شکریہ دا کتھا پسند ہے جی اور نے دا بھی اچھا پسند ہے اتولا بالکل میں ان شاء اللہ سنا سا پہلے ذرا تسی سناؤ ذرا اتولا دی آواز میں تھوڑا جا سر تاری آواز میں چلو اپنی آواز میں سنا چھوڑو تھوڑا جہ سنا سو اچھا دل لگا تھا دل لگی کے لیے جی جی بن گیا روب زندگی کے لیے یہ تو تسی میں شعر سنا دیو میں آہے گا کے سناؤ چلو ٹھیک ہے میں سنا سا ان شاء اللہ تسان مہربانی جی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ نصیر صاحب بہت شکریہ نصیر صاحب بہت چنگا لگے تو گل بات کر دیا نا اپنے جڑے ہوندے او اپنا خوب گل آ گئی کہ اپنا اگر مار دے تو چھاواں میں سٹتا ہے گل بڑی عجیب جی لیکن گل سونی
ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਮਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨਾਲ ਇਨਕੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਏਜੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे मजेदार वीडियोस मिलते रहें।